13 जुलाई से 19 जुलाई कुंभ राशि सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बन जाएगा जीवन। दोस्तों, धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता हर एक इंसान को पड़ती है, फिर चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब। यह इंसान की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि उसके जीवन का एक अहम हिस्सा भी है, जिसके बिना उसका जीवन पूरी तरह से अधूरा है। क्योंकि आज के समय में आपकी आधी से ज्यादा आवश्यकताओं के लिए धन चाहिए, और अगर आपके पास धन नहीं है तो ऐसे में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन संबंधी समस्या हर किसी के जीवन में रहती है, बस फर्क इतना ही होता है कि कुछ समस्या थोड़े समय में ही समाप्त हो जाती है तो किसी को यह लंबे वक्त तक परेशान करती रहती है। दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक कुंभ राशि का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बन जाएगा। बजरंगबली जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। आपके सामने कुछ अच्छे अवसर आएंगे, आप उसका पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, परिवार वालों के साथ आनंद के पल बिताएंगे। इस राशि के जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन राहतपूर्ण रहेगा। करीबी आपसे मदद की मांग कर सकते हैं। इस राशि के छात्रों को मेहनत करने से अच्छी सफलता भी मिल सकती है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप भी लाइक करें, और बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। अपना ध्यान एक महत्वपूर्ण खरीदार या सौदे पर रखें। अपने करीबी साथी से सलाह अवश्य लें। प्रभावी बातचीत करें और आप कानूनी निर्णयों में आप अच्छा करेंगे। यह सिर्फ बेहतर होने के बारे में नहीं बल्कि अलग होने के बारे में है। लोगों को खुद को चुनने का कारण दें। आपके ग्रहों में आत्मानुभूति और गहरे ध्यान का योग है। अपने रोजाना के कार्यक्रम से कुछ वक्त निकालें ताकि आप यह जान सकें कि आप क्या हैं और आपको क्या करना है। यह आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आपको अपने कामकाज के अच्छे नतीजे मिलेंगे। काम के सिलसिले में आपको जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। आपकी सेहत में सुधार आ सकता है। गृहस्थ जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। आप भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, जो आने वाले समय में काफी बेहतर साबित होगा। सूर्य देवता की कृपा से आपको कई मामले में शुभ नतीजे मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोगों को कुछ नया जानने को मिल सकता है। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आप अपने प्रिय से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि सुख सुविधाओं के पीछे अधिक धन खर्च हो सकता है। जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं पैसा खर्च कीजिए, वरना घर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। काम के सिलसिले में आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपका भाग्य कमजोर रहेगा। कामकाज में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम जीवन में मिले जुले नतीजे मिलेंगे। पति पत्नी के बीच नोकझोंक होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। आपके लंबे समय से रुके हुए सारे काम पूरे होंगे, फिर वो चाहे कानूनी समझौते हो या फिर शुभ कार्य। योजना बनाना और प्रियजनों की सलाह लेना ना छोड़े, क्योंकि उम्मीद और सहयोग दोनों ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आर्थिक लाभ आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आत्मज्ञान के कुछ चरण आपके कार्ड में हैं। अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर सोचिए कि आप कहाँ हैं और भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं। निसंदेह इससे आपको अपने आने वाले हफ्तों में सफलता मिलेगी। परिवर्तन मनुष्यों के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसलिए बदलावों को खुशी से स्वीकार करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की करियर राशिफल के बारे में। आपको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए अपनी कलात्मकता को उभारना चाहिए। आपके पास बहुत सा अन्वेषित हुनर है,
जिसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और जिसके कारण आपके करियर में वृद्धि हो सकती है। अपने लंबे समय के लाभ के लिए अपने कलात्मक हुनर को और संवारें। आप अपनी कलात्मक व उपलब्धियों के लिए और अधिक पहचान पाना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। आपके पति या पत्नी या फिर करीबी मित्र इस समय आप पर पूरी तरह से मेहरबान हैं। कुछ रोमांटिक और अंतरंग क्षणों के लिए तैयार हो जाएं। इन दूरियों को कम करने के लिए आपको स्वयं कुछ प्रयास करने चाहिए। कानूनी समझौते या टाइप की संभावना बन रही है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर ही आगे बढ़े। अपनी आत्मा की गहराइयों को झांक कर अपने बारे में जानने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ अपनी मनोस्थिति के बारे में चर्चा करें और इससे आप आरामदायक महसूस करेंगे। अगर आप थोड़ी सावधानी नहीं बरतेंगे तो पूरा दिन फिजूल के कामों में व्यस्त रह सकते हैं। सब कुछ भूलकर अपने प्यार व रोमांटिक जीवन पर ध्यान दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आप पेट से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए आपको अपनी खुराक में शुद्धता की मात्रा देखनी होगी और अपनी खुराक को और बेहतर बनाने के उपाय खोजने होंगे। आपको चिप्स वगैरह छोड़कर फल के जूस पर निर्भर होना चाहिए। यह आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आया है और इसे कायम रखने के लिए आपको तरीके खोजने होंगे। आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान भी समझेंगे। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें अगर सावन महीने में घर लेकर आए तो आपकी किस्मत चमक सकती है। साथी भोले भंडारी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना यानी कि सावन चल रहा है। इन दिनों में विशेष रूप से भोलेनाथ जी की पूजा आराधना की जाती है और भक्त सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। सावन के पूरे महीने स्वस्तिक धर्म का पालन करने की परंपरा मानी गई है। अगर भोलेनाथ किसी व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। शिवजी की भक्ति करने से तन मन और आत्मा पवित्र हो जाती हैं। सावन के पावन दिनों में चारों तरफ भोले भंडारी का जय जयकार सुनाई देती है। लेकिन क्या अब लोग इस बात को जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें अगर खरीद कर अपने घर लाई जाए तो इससे जीवन में बहुत से फायदे मिलते हैं। अगर आप इन चीजों को सावन महीने में लेकर आते हैं तो इससे आपके जीवन में बड़ा सुधार आ सकता है और आपके सभी बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो चीज है वो है त्रिशूल। अगर आप सावन के पवित्र दिनों में त्रिशूल खरीद कर अपने घर लेकर आते हैं तो इससे आप पूरे वर्ष भर आपदाओं से सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महादेव अपने हाथों में हमेशा त्रिशूल धारण किए होते हैं। यह तीन देव और तीन लोगों का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, अगली जो चीज है वो है रुद्राक्ष। अगर आप सावन महीने में रुद्राक्ष लेकर आते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगली जो चीज है वो है डमरू। डमरू भगवान शिव जी का सबसे पवित्र वाद्य यंत्र होता है। अगर आप सावन महीने में इसको अपने घर लेकर आते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। डमरू की ध्वनि से आसपास की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप सावन महीने में डमरू लेकर आए और अंतिम दिन में आप इस डमरू को किसी भी बच्चे को उपहार के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, अगली जो चीज है वह है चांदी का बिल्व पत्र। दोस्तों, देवों के देव महादेव की पूजा में चांदी का बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। अगर आप सावन महीने में चांदी का बिल्व पत्र लेकर आते हैं और रोजाना नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना करके भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं तो इससे समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों, अगला जो चीज है वह है चांदी के नंदी। दोस्तों, अगर आप सावन महीने में चांदी के नंदी जी घर लेकर आते हैं तो इससे आपके जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। नंदी शिव जी के गण हैं और इनके वाहन भी नंदी जी हैं। अगर आप चांदी के नंदी घर लेकर आते हैं
और इसकी पूजा करते हैं तो आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों अगली और आखिरी जो चीज़ है वो है सर्प। भगवान शिव जी का आभूषण सर्प है, यह इसको हमेशा अपने गले में धारण करके रखते हैं। अगर आप सावन के महीने में नाग नागिन का जोड़ा घर लेकर आते हैं और रोजाना नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि पितृ दोष भी दूर होता है। आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर में रखें। तो दोस्तों यह थी कुछ ऐसी चीजें जो कि सावन महीने में घर लेकर आना बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। दोस्तों आज की सुड़ में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।